नमस्कार, हिंद भूमि न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। अब आपके लिए एक खास खबर। रेलवे स्टेशनों पर जिस तरीके का प्रतीक्षालय होता है, उस तरीके का प्रतीक्षालय अब इटारसी बस स्टैंड पर बन गया है। नगर पालिका ने पीपीपी मोड पर इसे तैयार कराया है। इस प्रतीक्षालय की विशेषता यह है कि इस प्रतीक्षालय का प्रबंधन संजीवनी स्वच्छता सेवा समिति द्वारा किया जाएगा, जिसने इसे बनाया है, जो इस प्रतीक्षालय को साफ सुथरा रखने के साथ ही दूसरी अन्य बातों का भी ध्यान रखेगी। जैसे यहां आने वाले असामाजिक तत्वों को प्रतीक्षालय में आने से रोकने का जिम्मा भी समिति के ऊपर होगा। अब आपको बताते हैं कि यहां सुविधाएं क्या मिलेगी। यह परिसर पूरी तरीके से सीसीटीवी के निगरानी में रहेगा। यहाँ एक व्यक्ति हमेशा मौजूद रहेगा जो यहाँ आने वाले शरारती तत्वों को प्रतीक्षालय में आने से रोकेगा। यहाँ शौचालय बनाया गया है जो साफ सुथरा होने के साथ ही यहाँ पर महिलाओं के लिए अलग से शौचालय बनाया गया है, जिससे यहाँ आने वाली महिलाओं को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। यहाँ एक लॉकर रूम भी बनाया गया है। यदि कोई यात्री सामान लेकर आता है और उसे वह सामान सुरक्षित रखकर बाजार या कहीं जाना हो, तो वह यहाँ बने अमानती रूम में अपना सामान रखकर कहीं जा सकता है। इसके लिए समिति द्वारा शुल्क लिया जाएगा। और 20 साल तक वो इसका संचालन संधारण करेंगे, तो मेरी उनसे यही अपेक्षा है कि जिस तरह से अभी दिखता है, पूरा 20 वर्ष तक वो इसको अच्छी तरह से मेंटेन करें। यहाँ पे आप देखेंगे कैमरे भी है, लाइट है, मतलब सारी फैसिलिटी उन्होंने दी है। दूसरा ही मार्केट एरिया है, तो यहाँ पे से देखिए कम्युनिटी टॉयलेट था, सामुदायिक शौचालय था। लेकिन इसके बनने के साथ यहाँ पे एक ये दिक्कत भी दूर हो जाएगी, महिला पुरुष वहाँ पे उपयोग कर सकते हैं, जिसको जिससे इनको इंटेलिजेंस में आए था खोलिए। तो ये काफ़ी अच्छा विचार है कि भाई नगर पालिका की जो ऐसी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है जो के से एक साल पहले के फोटो किसी के पास होगी तो उसको देखेंगे, पुरानी फोटो हमारे पास जो भी हम उपलब्ध कराएंगे। एक साल पहले यहाँ अंदर जैसे हम यहाँ कंफर्टेबल बैठे या अंदर नहीं जा सकते, अंदर आने के बाद यहाँ इतना गंदा माहौल था, ऐसा लगता था कि यात्री यहाँ नहीं बैठते थे, वो पेड़ के नीचे बाहर बैठते थे, क्योंकि यहाँ बैठा ही नहीं जा सकता था। यहाँ इतनी अव्यवस्था, दुर्गंध और ऐसा भय का माहौल था कि इस यात्री प्रतीक्षालय में आना दुर्लभ था और यहाँ इसका कोई उपयोग नहीं करता था। केवल एक जो कुछ लोग जो नशा करते थे वो इसका उपयोग करते थे, दारू पीकर आते थे और यहाँ मस्त सोते थे। रात में ये लगभग एक साल के आसपास का विषय है, रात में कि हमारी बहन यहाँ आई होगी, उनको किसी दुकानदार के नंबर पे लगभग 11:30 बजे की बात है, उनका फोन आया कि मैं